और सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात यह कही कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल जी करीब 90 दिन से ज्यादा पहले ही जेल में रह चुके हैं, लिहाजा उनको इंटरिम बेल दी जाए। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एक मुकदमा है, ऐसे में वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, ये फैसला कोई कानून कोई कोर्ट नहीं कर सकता, ये फैसला स्वयं वही कर सकते हैं, लिहाजा इसके अंदर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कूद रहे थे कि साहब वो उनके ऊपर मुकदमा हो गया, वो अरेस्ट हो गए तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वो हाईकोर्ट में भी गए, हाईकोर्ट ने भी यही बात कही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे इसमें कोर्ट कोई दखल नहीं कर सकता। ये बात आपके सामने रखी और मैं अपनी तरफ से उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो इस केंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पे पीएमएलए के कारण उनके ऊपर अलग अलग मौकों पे अत्याचार किया जा रहा है।